हाय गाइस, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 के हम क्वेश्चन कर रहे थे, आज मैं एग्जांपल 3 पे हूँ और एग्जांपल 3 पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो किसी भी हमें जीरोज निकालनी क्लास 9 में सीख चुके हैं, तो अगर हमें जीरोज निकालनी है तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो ये मेरा बना एक्स माइनस रूट 3। एक बार माइनस में एक बार प्लस में आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार पुट करेंगे एक्स माइनस रूट 3 को जीरो, तो एक एक्स की वैल्यू आई रूट 3। एक बार पुट करेंगे एक्स प्लस रूट 3 को जीरो, तो एक एक्स की वैल्यू आई आपकी माइनस का रूट 3। ठीक है, तो देयर फोर रूट 3 एंड माइनस का रूट 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो हम वेरीफिकेशन कर लेते हैं। वेरीफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो मेरी जीरोज आई हैं, सम ऑफ जीरोज तो आपका इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज अगर आप करोगे तो रूट 3 प्लस माइनस का रूट 3, ये है मेरी जीरोज, माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स। देखो हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे कोई एक्स वाली टर्म ही नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखने लगूँ तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा एक्स का कोफिशियंट है वो क्या है, 0, यानी कि 0 अपॉन कॉन्स्टेंट यानी कि माइनस का 3। तो आपका ये सम क्या है, जीरोज इज इक्वल टू 0, एक बिल्कुल हमारी जीरो से मतलब बिल्कुल करेक्ट आया है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कोफिशियंट, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएंगे आपकी रूट 3 इंटू माइनस का रूट 3, कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी माइनस का 3 और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, रूट 3 हो गया माइनस का रूट 3 और ये भी माइनस का 3, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।